तो आज खुद भी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं सुमेर सिंह का किला कैसा है अंदर से और बाहर से दोनों जगह से, ठीक है। आज का अपना ट्रेवल पार्टनर होने वाला है आरंभ तिवारी, जो द कंट्री ऑफ व्लॉग्स चैनल है, जिसका जानते होंगे। तो भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई कि आपकी लड़ाई होगी, साथ में ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाते हो। तो हाँ भाई, हो गई लड़ाई। पिस्टल निकाल, पिस्टल। अरे भाई 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 भाई, इन्होंने तो जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी वही बात कर दी। घूमने की चीज ही नहीं है ये। ये देख लो भाई, शेर की आस की सामने बैठी है, शेरनी और टकटकी लगा के देख रहा है भाई। हाँ जी गाइस, दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिखाई दे रहा हूँ? दिखाई दे रहा हूँ, जूम कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई आज चल रहे हैं हम लोग भाई इटावा, और इटावा में क्या शूट करने चल रहे हैं भाई, वो तो आपको थंबनेल और टाइटल में पता चल ही गया होगा, लेकिन हमारा जो काम है बताना तो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं भाई बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के नीचे से, ठीक है। और भाई आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है, क्योंकि आज आपको दिखाने वाले भाई इटावा का किला, जो कि भाई सुना बहुत पहले से था कि इटावा में भी कोई किला है, लेकिन आज आपको दिखाने वाले हैं भाई इटावा में किला, ठीक है। और भाई आज दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली सभी को मेरी तरफ से। और अभी भाई एरिया दिखा दो एक बार, ऐसा कुछ एरिया है अपने ऊपर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, ठीक है। तो अभी चलते हैं और इटावा में चल रहे हैं, सुमेर सिंह किला दिखाएं। जो भी इटावा के लोग हैं वो तो भाई जानते ही होंगे, और बाहर के भी लोग अक्सर वहाँ पर जाते रहते होंगे। तो आज खुद भी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं सुमेर सिंह का किला कैसा है अंदर से और बाहर से दोनों जगह से, ठीक है। और अभी चलते हैं भाई, अपने साथ कौन है, गैस करिए, अपने साथ में है तो थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि वो भी यूट्यूबर है, ठीक है। अब की बार भाई यूट्यूबर चल रहा है अपने साथ में, तो वो भी यूट्यूबर है, शॉट ले रहा है, ठीक है। और मिलवाते हैं कौन चल रहा है साथ में, उसके बाद भाई निकलते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, आना भी है क्योंकि आज है दिवाली, तो ठीक है शाम तक अगर नहीं आएंगे तो घर पे पड़ेगी मार, ठीक है। तो उससे पहले बढ़िया तरीके से लौट आएँ शाम को 3-4 बजे तक, तो 3-4 बजे तक लौटने के लिए भाई निकलना भी पड़ेगा जल्दी, ठीक है। तो जब फटाफट से चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। आज का अपना ट्रैवल पार्टनर होने वाला है आरंभ तिवारी, जो द कंट्री ऑफ व्लॉग्स चैनल है, जिसका जानते होंगे। तो भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई कि आपकी लड़ाई होगी, साथ में ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाते हो। तो हाँ भाई, हो गई लड़ाई। पिस्टल निकाल, पिस्टल। अरे भाई 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 भाई, कंट्रोवर्सी खत्म कर दें भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं भाई, कानपुर रहता है बाहर, ठीक है। और बाहर रहता है तो भाई इतना आना जाना होता नहीं, दिवाली का टाइम है तो आया, साथ में ब्लॉग कर रहे हैं, चल रहे हैं। और देखो फटाफट से चलते हैं भाई, ठीक है, आपको जो बताना था वो बता दिया, अब निकलते हैं और आपको दिखाते हैं फिर। तो सिनेमैटिक्स आपने देख लिए होंगे, और भाई अभी आ चुके हैं, अभी हम लोग रास्ते में, तो यहाँ से आधा या 1 किलोमीटर दूर सुमेर सिंह किला है, ठीक है। और आपको एक बार एरिया दिखाता हूँ यहाँ का, ये आप लोग देख पा रहे होंगे भाई, बड़े बड़े टीले टाइप के बने हैं, और यहाँ से सीधी रोड गई है, यहाँ से वही लगभग आप मान लो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर होगा ऊपर, मतलब ऊपर चढ़ाई पर, ठीक है। और ऊपर चल के भाई देखते हैं किला खुला है कि नहीं खुला है, ठीक है। और ये भाई एरिया देख, ये लगता ही नहीं कि हम लोग भाई इटावा में हैं, ये लगता है कि भाई कहीं दूर आ चुके हैं पहाड़ी वाली लोकेशन पर, ठीक है। और भाई अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं, क्योंकि भाई आज थोड़ा सा जल्दी शूट करना है। और आर्यन अपने साथ भाई हमेशा यही हो जाता है कि सुबह निकलते हैं तो मौसम बढ़िया होता है, लेकिन लोकेशन पर पहुंचते पहुंचते इतनी तेज़ धूप निकल आती है कि भाई पूरा सिर दर्द होने लगता है। तो वैसे ही अपने साथ आज भी हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं फटाफट से अपना जो काम है वो करते हैं, शूट करते हैं लोकेशन पर, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, उसके बाद भाई निकलते हैं दूसरी लोकेशन पर, दूसरी भी वीडियो शूट करनी है, ठीक है। और ये देख लो भाई, यहाँ पर आपको ट्रैवलर्स मिलते ही रहेंगे, ठीक है, कोई रिक्शे से जा रहा है, कहीं कोई पैदल जा रहा है, तो मतलब बढ़िया एरिया है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग इटावा से भी और जो बाहर से भी हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं बाहर से, तो वो भी आते रहते हैं, ठीक है। चलते हैं फटाफट से ऊपर, बहुत बार कह चुके हैं चलते चलते, अब चली देते हैं। सो गाइस, फाइनली वी आर रीच डेट सुमेर सिंह किला, और भाई जो अपने सामने व्यू है ना वो अभी आपको दिखाते हैं। और भाई यहाँ पर आके तो भाई अपना बिल्कुल माइंड फ्रेश हो चुका है, क्योंकि ऐसा व्यू ही सामने देखने को मिला है। अब किला तो चलते हैं, किला बाद में दिखाते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले आप व्यू देख लीजिए एक बार, ये देखो भाई क्या व्यू है यार, तगड़ा। पहाड़ियाँ हैं सामने पूरी, आप लोग देख पा रहे हो सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ टाइप की हैं, और ये देख लो भाई पूरा जंगल, और लाइन सफारी भी दरी कहीं एरिया में है, ठीक है। और अपने सामने किला है, ये आप लोग देख पा रहे हो सामने,
ठीक है। और लेकिन यार जो महसूस हो रहा है वो थोड़ा सा गलत महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब गलत क्या हो रहा है महसूस, ये आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, बैरिकेड टाइप का लगा है। अब ये क्यों लगा है, ये तो एक रीज़न यही हो सकता है कि शायद बंद हो ये। अब ये क्यों लगा है भाई, ये तो अब पता करते हैं अंदर। ऐसा ना हो इतनी दूर आ चुके हैं, अब किला के अंदर भी ना जाने देंगे, क्योंकि मुझे तो भाई बंद लग रहा है ये किला। और ये देख पा रहे होंगे आप लोग भाई, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, ये जो यहाँ की वॉल्स हैं, ये तो भाई पुरानी है, लेकिन ये जो खिड़कियाँ बनी है ना, इन पे रेनोवेशन हुआ है। तो हमें लगता है शायद भाई कोई रहता भी है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे भाई गार्ड से पता करते हैं कि क्या सीन है, अगर बंद भी है तो रिक्वेस्ट करते हैं भाई अंदर जाने दें, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इतनी दूर से आए भाई किला देखने और किला बंद मिला है। यहाँ पे भाई एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, ठीक है, और किसी से बात करते हैं, क्योंकि ऐसे काम चलेगा नहीं। ये खड़े हैं भाई अंदर, बात करिए इनसे, मना कर रहे हैं। इन्होंने तो जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी वही बात कर दी, घूमने की चीज़ ही नहीं है ये। क्यों मार रहे भाई, सिस्टम ही खराब हो गया पूरा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आया है, मुझे पर्सनल यूज में है, ठीक है, पब्लिक के लिए नहीं है। तो ये चीज़ पहले पता होती तो इतनी प्रिपरेशन करके आते ही नहीं, और कोई लोकेशन कवर करते चल के यहाँ पे आके भाई सिस्टम खराब हो गया पूरा, सिस्टम हैंग। पिस्टल निकाल, पिस्टल कहाँ है भाई, इतनी देर से निकाल के रह गया। पिस्टल निकाल, पिस्टल निकाल, कोई नहीं भाई कोई नहीं। अरे हमें होता है अच्छे के लिए होता है, हमें लगता है यहाँ पे कोई रहता है शायद। और मुझे ये लग रहा है कि किसी की भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, है ना? हाँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे यकीन लग रहा है कि किला कोई बहुत ज्यादा एंशिएंट टाइम का नहीं है। हाँ, तो जो यहाँ का आर्किटेक्चर है वो भी आप लोग भाई देख पा रहे हो, काफी ज्यादा पुराना नहीं है। कि यहाँ पर जो राजा थे सुमेर सिंह, उनके जो और वंशज वगैरह होंगे तो वो यहाँ पर रहते हैं, बट उन्होंने बाहर पब्लिक के लिए बंद कर रखा है। तो यही है कि भाई इनकी जो पीढ़ियाँ बढ़ती चली आ रही हैं ना आगे, बस उन्हीं की ये प्रॉपर्टी है, वही अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं, बाकी पब्लिक के लिए ऊपर से आओ यहाँ पे व्यू एंजॉय करो, बस इसके अंदर मत जाओ बैरिकेड के, ठीक है, बस इतना ही है। तो ये चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर ये चीज़ पहले से पता होती तो भाई इतनी दूर आती नहीं चढ़ के। तो एक काम करते हैं आर्यन, जो वो नीचे मंदिर देखा था ना हनुमान घाटी, वहाँ पे चलते हैं, वो दिखाते हैं लोकेशन, वहाँ चलते हैं, फिर और देखते हैं कि और क्या फेमस क्या चीज़ दिखाई जा सकती है व्लॉग में। और भी देखते हैं क्योंकि इतनी दूर आए हैं भाई, ऐसे तो जाएंगे नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वीडियो बना के ही जाएंगे, और एक तो दिवाली के टाइम आए हैं त्यौहार वाले दिन, तो चलते हैं। देख लो भाई शेर की आस की सामने बैठी है, शेरनी और टकटकी लगा के देख रहा है भाई, ये देख लो। तो जानवरों में भी यही सब है, इंसान में तो है भाई, जानवर भी लगे पड़े। कुछ भी कहो भाई, आज वो वाला सॉन्ग सही हो गया, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, आज ये भाई प्रैक्टिकल हो गया बिल्कुल अपनी लाइफ में। सफर जाना सही था, मंजिल में तो कुछ मिला ही नहीं, मंजिल तो बिल्कुल खाली मिली भाई। अरे यार, शेर सिंह के किले में गए तो भाई वहाँ पे वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है, ठीक है, और यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर तो भाई घुसेंगे तो भाई निकलेंगे सीधे शाम को, ठीक है, यहाँ से रात हो जाएगी। तो कोई प्लान नहीं था यहाँ पे, बस अब सोचा कि सुमेर सिंह किला दिखाया नहीं तो भाई यहाँ पे सामने से एक शॉट ले लेते हैं चल के, और भाई चलते हैं फटाफट से घर पर नहीं दिखाते हैं भाई, और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर अपनी, ठीक है, इसके अंदर चलेंगे तो भाई शाम के 8-9 बज जाएंगे, और अगर 8-9 बज जाएंगे तो फिर भाई मार भी पड़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं भाई तो अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। आज निकलने का भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ, घर से भाई पूरी प्रिपरेशन करके निकले थे कि चलेंगे और आपको दिखाएंगे सुमेर सिंह का किला, लेकिन अपना प्लान पूरा फ्लॉप हो चुका है। वहाँ पे जाके पता चलता है कि भाई पब्लिक के लिए किला बंद हो चुका है, तो थोड़ा सा पोपट हो चुका अपना आज। उसके बाद फिर धूप इतनी तेज थी, सर दर्द हो रहा था भयंकर, तो फिर वहाँ से थोड़ा बहुत खा पी के और निकल चुके हैं, और अभी जहाँ से ब्लॉग शुरू किया था वहीं पे आके खड़े हैं, ठीक, आउट्रो करने के लिए। और भाई ये बता दूं आपको, अब अपने ब्लॉग्स रेगुलर आने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई कर लेना, और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना।
क्योंकि अपने रेगुलर अपडेट्स अगर आपको तुरंत चाहिए तो भाई बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।